देखिए दोस्तों, तो बहुत से लोग मेरे से कहते हैं, मेरे सब्सक्राइबर पूछते हैं, दादी इस उम्र में आपने टेक के वीडियो क्यों बनाना चालू करा। मैं आपको बताती हूँ कि मेरे को कुछ रुचि थी कि कुछ ना कुछ करते रहना, इसलिए मैं यूट्यूब पे आई हूँ। नहीं तो इस उम्र में लोग बाग बैठ जाते हैं और आराम से, मैंने भी देखा है, पहले लोग बाग चुपचाप बैठ जाते थे और बैठे बैठे सब काम। मेरी आदत है कि मैं कुछ ना कुछ करती रहती हूँ और अपना चल फिर करके चलती रहती हूँ और काम करती रहती हूँ। मगर मेरे को किसी ने नहीं कहा था कि आप यूट्यूब पे आओ, मगर मेरे को रुचि थी कि मेरे को यूट्यूब पे आना। मैं किससे प्रेरित होकर यूट्यूब पे आई थी, क्योंकि मैंने देखा था कि बहुत पहले सभी लोग वीडियो बना रहे हैं और वीडियो बनाते थे। और मेरी बड़ी बहू है, वो ने उसने वीडियो बनाए और एक छोटा जैसा ही उसका बेबी हुआ, उन्होंने मालिश का वीडियो डाल दिया, वो वायरल हो गया। मगर उस समय अपन को पता नहीं था कि अपन को वीडियो इससे पेमेंट दे, तो पता था कि पेमेंट आता है। उस समय ना मोनिटाइज का चक्कर था ना कुछ था। आपने जैसे ही वीडियो डाले, ऐड आने लगते थे, ऐड आए तो आपको $100 हो जाते हैं, तो आपके पास पिन आता था, अपन को उसके अप्लाई करना पड़ती थी, तब पिन भी आ गया था और इनके $45 भी बन गए। मगर क्या हुआ कि उसी समय जॉब निकली आई कॉलेज में, तो मैंने कहा कि आपको अब यूट्यूब से नहीं, आपको कॉलेज से काम में काम करो, उसमें रुचि लो, उसमें पढ़ो, क्योंकि अपन लोग पढ़ाई पे ज़्यादा महत्व देते हैं, क्योंकि शुरू से ही हम लोगों ने पढ़ने पे महत्व दिया है हमारे परिवार में, तो हमें पढ़ाने के ज़्यादा महत्व दिया गया। तो हमने कहा कि यूट्यूब तो अलग है, कभी भी आ जाएंगे, आप लोग तो पढ़ाइए। ये नहीं मालूम था कि यूट्यूब पर इतना पैसा है कि अपन को इसको छोड़ना नहीं, और इतना भी नहीं पता था कि अगर यूट्यूब को मोनिटाइज हो गया इसमें कुछ वीडियो डालना चाहिए। अभी अभी पता लगा मेरे को कि अगर अपन ने यूट्यूब में अपना चैनल मोनिटाइज हो गया है तो अपन को कुछ ना कुछ वीडियो डालना चाहिए, नहीं तो वो डिमोनिटाइज करता। इसका भी कुछ रहता, जैसे 6 महीने में एक वीडियो जरूर डाला, अगर वीडियो नहीं डाल पा रहा है तो आप एक फ़ोटो भी डाल दो तो आपका चैनल जो मोनिटाइज है ना वो कभी डिमोनिटाइज नहीं होगा। हमारे ये कितनी मेहनत से अपन मोनिटाइज करते हैं आजकल, तो क्योंकि 4000 घंटे 1000 सब्सक्राइबर करने में बहुत मेहनत लगती है। हो सकता है किसी के जल्दी हो जाती है, मगर नहीं हुआ। मेरे को तो 2 साल लग गई थी और मैंने डेली वीडियो डालती थी मैं, और मेरे को क्या नॉलेज थी, मेरे को अभी टैग के बारे में इतनी नॉलेज नहीं थी, तो मेरे को जो नॉलेज थी मैंने कहा मैं तो वीडियो बना के डालूंगी, सभी ने मना कहा और इसमें फोटो कुछ ना कुछ डालते रहना चाहिए, हमें इतना ज्ञान नहीं था, तो उन्होंने कोई वीडियो नहीं डाला। अभी भी उसमें $45 बने हैं और पिन भी आया हुआ है, मगर अब आप उसका चैनल डीमोनिटाइज हो गया, तो अपन अब दोबारा से चैनल खोलें, उसी आईडी पे खोलें तो वो पैसे मिल सकते हैं, पैसे अपने जमाएं। मगर अपन अज्ञानता के कारण इतनी गलती कर रही थी। मेरे तो किसी ने नहीं कहा कि तुम वीडियो डालो, और मेरे को क्या नॉलेज थी कि अपन को नॉलेज ज़्यादा होती नहीं, तो लेडीज़ों को नॉलेज थी कि खाना कैसे बनाती, तो मैं खाने का वीडियो डालने लगी। मैंने कहा जो मेरे को नॉलेज है वही डालते हैं, ये पता नहीं था कि यूट्यूब पर पहले ही बहुत वीडियो डाले रहते हैं अच्छे अच्छे, और जब मैंने देखा तो बहुत वीडियो डाले। मगर मैंने कहा जो नॉलेज है वही करेंगी, मैं अपन ने कहा चूल्हा कैसे बनाते हैं, कुर्सी वैस कैसे बनाते हैं, यही वीडियो मैंने डालना चालू कर, चलते रहे, डाल दिए थे तो 50-60 व्यू आ जाते थे। मैंने कहा इतने ही बहुत है, आ तो रहे व्यू अपने। और फिर मैंने एक ये डाल दिया, खराब गुड़ को सही कैसे करें, अभी भी मेरे वीडियो में डला है और वो चल भी नहीं आए, तो वो वायरल हो गया, अच्छा खासा चला गया। तो मैंने कहा चलो कुछ ना कुछ तो अपन पर जो नॉलेज होती है वो कर, ऐसे मैंने वीडियो डालती रही और डाल के मैंने कम से कम 1 साल के करीब मैंने खाने से संबंधित वीडियो डाले। मगर फिर मैंने क्या समझा कि मेरे घर में सभी लोग टैग के वीडियो बना रहे हैं, तो सब लोग कहते हैं जब घर में टैग के वीडियो बना रहे हैं, अपन मेरे मन में आई कि अपन दूसरा बनाना चाहिए। नहीं, मैंने कहा कि जब हजारों लोग टैग के बना रहे हैं तो घर का एक बना लिया तो अपन भी बना सकते हैं टैग के। तो मैंने अब मेरे भाऊ और बच्चे टैग का वीडियो बनाते थे, मैंने भी बनाना चालू कर दिया, क्योंकि कुछ नॉलेज तो उनसे मिलती थी, कुछ नॉलेज मेरे को यूट्यूब में वीडियो देख कर भी मिल गई, तो मेरे को अच्छी खासी नॉलेज हो गई। मैंने टैग के वीडियो बनाए और मैंने कहा ये बहुत सरल है टैग के वीडियो, क्योंकि इसमें ना तो अपन को किचन की ज़रूरत है, ना अपन को गैस की ज़रूरत है, आराम से कहीं भी बैठ के बना लो, और कोई मना करता है तो चुपचाप बैठ कर। मैंने टैग के वीडियो जब बनाना चालू करें ना तो क्या होगा कि अच्छे चलने लगे, और मेरे को जब भी टाइम मिलता था ना जगह की ज़रूरत पड़ती इसमें, और मैं उसको बना लेती थी, और ना मेरे पास मोबाइल था अच्छा,
छोटा सा मोबाइल, अभी मेरा वही भी मोबाइल है छोटा सा, और उसी में मैं चलती हूँ। और ये बच्चे, मैंने भी अपने बच्चे से ये मोबाइल लिया था। पहले तो मेरे को मोबाइल चलाना भी नहीं आता था, क्योंकि स्मार्टफोन है तो इस उम्र में वैसे कोई कम चलाती हूँ, तो सब लोग मना करते थे, रहने तो बैठ के खाओ, क्यों कर रही हूँ। क्योंकि मेरे को शुरू से करने की आदत थी, तो मैंने ये वीडियो बनाना चालू करे, जब क्यों आज वो अच्छे खासे चलना है, मुझे डॉलर भी अच्छे बनाए, बस मेरा पेमेंट आने वाला है। तो मैं आपको बताऊंगी, कभी कभी उतार चढ़ाव तो यूट्यूब पे आता ही रहता है, कभी व्यू कम होते हैं, कभी ज़्यादा आते हैं, कभी डॉलर ज़्यादा बनता है, कभी कम भी बन जाती, मगर अपन को हिम्मत नहीं आना। अपन क्या कहते हैं, जब अपने ज़्यादा डॉलर बनाए तो अपन खुशी मनाते, और जब जैसे ही कम हो जाता है तो अपन जरा यहाँ से निराश से हो जाते हैं कि अब क्या हो गया यूट्यूब पे इतना। मैं अभी भी लोगों को सब्सक्राइबर कभी कम हो रहा है, कभी ज़्यादा हो रहा है। मेरे पहले बहुत अच्छे सब्सक्राइबर बढ़ रहे थे, अब थोड़े कम, कभी कम हो जाते हैं, कभी ज़्यादा हो जाते हैं, मगर डिमोनिटाइज नहीं हुई। आप लगे रहिए, जरूर एक दिन सफल हो गए और अच्छे खासे पैसे भी कमाओगे। और आप लोग क्योंकि जी मेरे को क्यों बता, मैं इसलिए बता रही हूँ कि बहुत से लोग पूछे आप ज़्यादा इस उम्र में कैसे यूट्यूब पर काम कर रही। अगर आप एक्टिव रोग ले रह के काम करोगे तो आप जरूर सफल होगे और अच्छे खासे पैसे भी कमाओगे। और कोई काम कठिन नहीं है। सब लोग कहते हैं कि 1000 सब्सक्राइबर और 4000 घंटे करने में बहुत मेहनत लगती है, मगर लगती है, मगर अगर आपका वीडियो अच्छे चलेंगे और आपने वीडियो को 8 मिनट का बनाया तो उसके बस। मेरे को ये नॉलेज भी नहीं थी कि 8 मिनट का वीडियो बनाना चाहिए, ये तो वीडियो बनाते बनाते नॉलेज आ गई। मैं इसलिए आपको बता रही हूँ कि जो मैंने गलतियाँ करेंगे आप ना करो, अगर गलती करते हैं तो अपन को टाइम भी लगता है और यूट्यूब अपन को हटा भी देता है, मगर अपन अगर यहाँ से ही काम करते रहेंगे तो आप सफल हो गए और अच्छे खास। और मैं तो आपको इसलिए बता रही हूँ कि आप कभी डिमोनिटाइज ना हो या अपना काम करते रहें तो आप जरूर सक्सेस हो, कोई भी काम हो। मैंने तो अभी तक देखा है कि अगर कोई भी काम होएगा, अगर आप लगन और मेहनत से काम करोगे तो आप बहुत आगे पहुंच जाओगे। ऐसा ही आप बंद करते रहना। मैंने आप मेरे को इतनी ज़रूरत नहीं थी कि यूट्यूब पे आने की। मैंने देखो ये पहले सर्विस भी करी है और मैंने पेंशन भी मिल रही है, फिर भी मैंने सोचा कि अपन घर में बैठे रहेंगे, कोई अपन को पहचान नहीं। अगर मैं आज घर में बैठी रहती जो कि मेरे 6000 के फैमिली हो गई है यूट्यूब की, तो मेरे को कैसे पहचानते। आस पड़ोस के 1-2 जने पहचानते, मगर इतनी पहचान नहीं होती। अब मेरे को आप लोग पहचान आए तो मेरे को बड़ी खुशी मिलती है कि मेरे को पहचानते हैं, सब लोग कहते हैं दादी, तो मेरे को इतनी खुशी मिलती है कि मैंने अब यूट्यूब पे अपनी पहचान बना ली है। आपको हमेशा फेस वैल्यू जरूर बनाना चाहिए, ऐसे नहीं कि आपने किसी भी कंडे को साथ डाल दिया और अपनी फेस वैल्यू नहीं बनी तो आप सक्सेस नहीं होगी। अगर फेस वैल्यू बन गई तो आपका चैनल अच्छे खासा गिरोह होगा और आपका यूट्यूब पे सक्सेस हो जाओगे और बहुत अच्छा पैसा कमाओगे। बस अपनी मेहनत लगन से आप बहुत आगे पहुंच जाओगे। मगर अपन क्या करते हैं कि जैसे ही अपन को लगता है कि अपन ने वीडियो बनाया और मेरा नहीं चला तो अपन 1-2 दिन छोड़ देती हैं। आपको 1 दिन भी नहीं छोड़ना, रेगुलर वीडियो डालना है। और ऐसा भी नहीं है कि आपने रेगुलर वीडियो डाला, कुछ भी डाल दिया, अच्छा कंटेंट ढूंढ के लाइए और बनाइए तो ज़रूर आप सक्सेस होगे, जिसमें किसी को नॉलेज मिले और जैसे कि आप आगे पहुँचोगे। जैसा है मैंने बनाया है तो आप भी बना सकते हो। मेरी ये देखकर आप को डिमोनिटाइज नहीं होना और मोनिटाइज आपको और प्रेरणा मिलना चाहिए कि जब दादी कितनी 71 साल की दादी इतना काम कर सकती है तो यूट्यूब पर कमा सकती है तो मैं क्यों नहीं कमा सकती। और आपको कितनी खुशी मिलेगी, क्योंकि मेरे को इतनी खुशी मिलती है जब अपने डॉलर बनते हैं तो अपन को लगता है कि मैंने विदेशी मुद्रा कमाई है। और बहुत बच्चे क्या करते हैं, कितनी पढ़ाई करते हैं और फिर आप बच्चे विदेश जाकर अपने पैसे कमाते हैं, मगर अपन घर बैठे भारत में बैठ कर अपन विदेशी मुद्रा कर रहे हैं और भारत का बोझ हल्का कर रहा है, जिससे कि अपन पैसा ला रहे हैं तो वो गरीबी भारत की दूर होगी। ये मेरा वीडियो आपको कैसा लगा, अच्छा लगा लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। बाय दोस्तों, फिर मिलेंगे नई वीडियो।